कांग्रेचुलेशन जोरदार तालियां शाहरुख खान के लिए. मुझे इस फिल्म की कहानी मालूम है, अभिनव ने बताई है. सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे एक्टर्स, कलाकार हैं इसमें. जो थॉट है वो यही है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी रिकग्नाइज़ नहीं करती है, लेकिन वो बेचारे ईमानदारी से अपना काम करते रहते हैं. अनुपम को ईमानदार रोल कैसे दिया और क्यों दिया वो एक अलग डिस्कशन है, बट इतने अच्छे एक्टर हैं कि लोगों को बुद्धू बना देते हैं. तो शरीफ जो बाप हैं उसके लिए दो बेटे, विच आई एम अज्यूमिंग आप दोनों हैं जी, बदमाश से. सर, वी वर जस्ट प्लेइंग आवर कैरेक्टर्स. लगते हो शक्ल से बहुत शरीफ लग रहे हो मुझको यार. एंड उसका आइडिया ये है कि औलाद जो है उनके गुजरने के बाद, जाने के बाद रियलाइज करती है कि उनको वो सब नहीं मिला, एक उनकी एक इच्छा थी वो उसे पूरा करें. सो आई थिंक 21 तोपों की सलामी हमारे देश में, एंड आई थिंक इवन अदरवाइज, मे नॉट बी 21, मे बी डिफरेंट नंबर्स, इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट्स टू बी गिवन टू समवन व्हेन दे पास अवे. एंड हाउ दिस फिल्म अनफोल्ड्स इटसेल्फ, कि कैसे जो लोग हैं, ये दोनों बच्चे जो हैं, एक अनथिंकेबल काम करने के लिए निकलते हैं, वो पूरा होता है नहीं होता है, द कॉमिक ट्रिप दैट इट हैज़. आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थॉट एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. एंड अनुपम एंड द होल टीम, द डायरेक्टर, द अदर कास्ट मेंबर्स, क्रू मेंबर्स हुव टेकन अ चांस, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनमें मैं नहीं हूँ, जो अलग किस्म की फिल्में बना के, छोटी सी फिल्में बनाकर अच्छी बात कहते हैं. सो मुझे बहुत इज्जत लगती है कि मेरे जैसे कलाकार को यहाँ पर बुलाकर वो ये अनवेल करा रहे हैं, और मैं भी थोड़ा सा प्रेरित होता हूँ कि मैं भी ऐसी फिल्में जल्दी से बनाना शुरू कर दूँ. ओवरऑल जो फिल्म है वो एक दो स्पॉइल्ड बेटे, और आप लोगों ने देख लिया होगा, स्पॉइल्ड बेटे और एक ईमानदार बाप, एक ऑनेस्ट बाप की कहानी है. और कैसे दो बेटे जो अपने बाप को कभी कुछ नहीं समझते हैं, वो कैसे एंड में अपने बाप के इतने मुरीद हो जाते हैं कि उसे वो प्रण कर लेते कि उसे वो 21 तोपों की सलामी दिलाएंगे. मैंने इस फिल्म में एक पंगा ले लिया कि जब मुझे डायरेक्टर साहब ने और राइटर साहब ने कहा कि आप मतलब मर जाते हैं इसमें, तो मैंने कहा एक चीज़ अच्छी लगेगी अगर मैं आंखें खोल के मरूंगा. वो बोलना तो आसान था मगर उसको निभाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था. और बट आई थिंक द होल कास्ट, एवरीबडी वॉज सो हेल्पफुल, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म इन टर्म्स ऑफ थीम, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन. इस तरह के माहौल में, आज के माहौल में, जो अजीब सा माहौल है, उसमें एक इस तरह की ईमानदार फिल्म आना अपने आप में उपलब्धि है पूरी टीम के लिए. कौन सा परफ्यूम क्यों ऐसा लगाती हो यार, लोग परेशान हैं, प्लीज़ बताइए ज़रा. बहुत परेशान है लोग. सर, मैं कोई परफ्यूम ऐसा नहीं लगाती, वो राहिल जी ने ऐसी लाइन दे दी थी इनको, बस और कुछ नहीं था. बट सीरियसली, लाइक अनुपम जी सेड, देयर आर सम फिल्म्स दैट यू वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर, एंड दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस दैट आई वुड वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर. एंड फर्स्टली शाहरुख, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर दिस. हम लोग तो सम फिल्म के, यू नो, वी आर अ पार्ट ऑफ इट, एंड फॉर अस टू बी हियर इज समथिंग दैट वी फील वेरी क्लोज टू. बट देन शाहरुख कमिंग एंड सपोर्टिंग अ फिल्म लाइक दिस मीन्स अ लॉट टू अस. एंड As far as the cast and crew is concerned, every day at work was very delightful. बहुत हम लोगों ने मजा किया. So I just hope that that transcends and the audience likes the film. We love being a part of it. Thank you. As an actor also, मेरे लिए, मैंने जो जिस तरीके की फिल्म्स पहले करी हैं उससे बहुत अलग रोल था. So I was very happy. I think एक छोटा सा आइडिया सुनाया था जो पहली मीटिंग हुई थी, and I was sold, and I was like कि मैं ये फिल्म कर ही रहा हूँ, चाहे अब आप मुझे लें या ना लें, अब मैं नहीं छोड़ूंगा ये फिल्म. So I really loved it, और I think लाइक शाहरुख सर ऑल्सो सेट के इतना इमोशन इतना करेक्ट है इस फिल्म का, इतना इतना अच्छी बात बोल रहे हैं हम लोग कि आपका भी कभी कभी दिल करता है कि येस वी आर ऑल्सो प्लेइंग लिटिल मीन बॉयज़ इन द फिल्म, कि कुछ अपने बाप को बोलते हैं. लेकिन फिर उसके बाद एक एक एम है फिल्म में, बाप के लिए कुछ करना, 21 तोपों की सलामी देना. सो या आई रियली लाइक दैट. ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को. डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज.